दोस्तों क्या आपका भी पीएम सम्मान निधि योजना वाला यानी जो खेत पे जो पैसा मिलता है हमें किस्त के रूप में, वो हमें मिला कि नहीं मिला, इसी के बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों 13वां किस्त अभी बहुत सारे लोगों में आया है और बहुत सारे लोगों में अभी पेंडिंग में चल रहा है। उससे हम कैसे चेक करें कि हमारा 13वां किस्त आया कि नहीं, उसको चेक करने के लिए चलते अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए हम आ गए अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को खोलना है। दोस्तों गूगल क्रोम को यहाँ पे गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है पीएम किसान, पीएम किसान सम्मान निधि, यही आ गया। दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया हमारे पास सामने खुल के। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड में खोलना है उसको। डेस्कटॉप साइड में खोलने के बाद दोस्तों ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर देखिए यहाँ पे नीचे है बेनिफिशियरी स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है, यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपना मोबाइल नंबर को डाल करके आप वहाँ पे कर सकते हैं जो रजिस्टर रहता है, या आपका जो रजिस्टर नंबर आपको मिला होगा उस रजिस्टर नंबर से कर सकते हैं। मैं अभी अपना फिलहाल मैं अपने मोबाइल नंबर से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इंटर वैल्यू में हम डालेंगे अपना नंबर, हम यहाँ पर अपना नंबर डाल दे रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जो नीचे ये है ना कैप्चा कोड, इसको सेम टू सेम वहाँ पर भर लेंगे, भर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने यहाँ पर अपना ये कैप्चा कोड भर लिया है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना है गेट डाटा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा पूरा एकदम जितना भी किस्त आया है यानी पीएम सम्मान निधि योजना की तरफ से जितना भी किस्त हमें मिला है, यहाँ पे प्रॉपर डेट के साथ और किस अकाउंट में मतलब गया है ये प्रॉपर दिखा रहा है। यहाँ पे आसानी से आप कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी आए दोस्तों, अभी हमारा यानी 13वां किस्त मेरा नहीं आया, या 12वां किस्त आया है लेकिन 13वां किस्त नहीं आया है। दोस्तों हो सकता है थोड़ा लेट हो गया हो, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा रखना है, दो चीज़ों का ध्यान देना। अगर नहीं आया तो ऊपर देखिए, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई के वाई सी डन, ई के वाई सी जो डन है यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यस होना चाहिए, जो मेरा यस है। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे लैंड सेंडिंग, यहाँ पर लैंड सेंडिंग भी यस होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ऐसा है तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपका हो सकता है थोड़ा लेट हो, काहे कि दोस्तों बहुत सारे लोगों में भेजना होता है, तो दोस्तों हो सकता है वहाँ पर थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं चाहे कोई सा भी किस्त हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।